ओमी यानी गांव की आशा बहन और मैं रितिका लखनऊ के एक अखबार में पत्रकार हूँ। यहाँ आशाओं पर एक लेख लिखने आई हूँ। मैंने जब ब्लॉक के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि आप ब्लॉक के सबसे सक्रिय और समझदार आशाओं में से एक हैं। अरे दीदी, अब मैं क्या बताऊँ। जब मैं आशा बनी थी ना, तब समझ में नहीं आता था कि किस तरह लोगों के पास जाऊं, किस तरह उन्हें अपनी बात बताऊं, किस तरह स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी जानकारियां उन्हें दूं। अरे दीदी, बड़ी मुश्किल होती थी, कोई बातें नहीं सुनता था। अरे मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बैठक की थी। मुझे तो लग रहा था कि इसके बाद मैं कोनो मीटिंग कर ही नहीं पाऊंगी। ऐसा क्या हुआ था उस दिन? ये बताओ आशा दीदी, हम लोगों को किस लिए बुलाए हो? मीटिंग रखी है ना, इसीलिए तुम सबको बुलाए हैं। अच्छा, मीटिंग तो ठीक है दीदी, पर आपने जो आयरन की गोली देने के लिए कहा था कि आज वो मिल सकती है? अगली मीटिंग में ले लेना, या तुम मेरे घर पर आ जाना, वही दे दूंगी। हमको भी दो ना दीदी। अरे कहा ना, अगली बार ले लेना। दीदी एक बात और पूछनी थी आपसे, हमारी देवरानी भी पेट से ही है इस समय, तो उनका बताइए किन किन बातों का इस समय हमको ध्यान रखना चाहिए। सरिता ऐसा करना कि तुम मेरे घर पर आ जाना। ठीक है। सारे कागज घर पे रखे हैं, मैं तुम्हें देख के तुरंत बता दूंगी। सब कुछ तो घर ही पे भूल आई है, हमको यहाँ पर फालतू में बैठा दिया बुला के। सैकड़ों काम घर पे पड़े हैं और हम यहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलो बहन चलते हैं, चलो चलो। अरे अरे तुम लोग कहाँ चल दी? अरे रुको तो, अरे रुको। क्या बैठक का तरीका सही था? बैठक में क्या क्या गलतियां की गई थी? महिलाओं और किशोरियों की बैठक आयोजित करने में आशा को क्या समस्या होती है? क्या आपको भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? एक अच्छी बैठक में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ था। फिर तुमने कैसे, मेरा मतलब है उस मीटिंग के बाद तुमने लोगों में विश्वास कैसे जताया? बड़ा मुश्किल था दीदी, हिम्मतें नहीं पड़ती थी, पर गांव तो अपना था ना, और काम भी मुझी को करना था। सो हिम्मत जुटाई, अपने में खूब ढेर सारा हिम्मत जुटा के मैं काम में लग पड़ी। लोगों से मिलती चली गई, उन्हें अपनी बात समझाती और उनकी बात खुद समझने की कोशिश करती। बस वही कहते हैं ना दीदी कि हर रात के बाद सुबह और दुख के बाद सुख आता ही है। मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। बस मैंने सब के समय के हिसाब से सबसे पूछ के दिन और तारीख तय करके तब मीटिंग करी। और बस देखो ना दीदी, अब आज वो दिन है कि महीने में कम से कम एक बार गांव की सभी गर्भवती महिलाओं और माताओं को बुलाकर मैं मीटिंग करती हूँ। अरे वाओ मी, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप किसी ऐसी मीटिंग के बारे में तुम बता सकती हो जो बहुत सफल रही हो? अरे चाची, अरे जल्दी पहुंचो। हाँ, बहू को भी लेती है ना। जल्दी आ, जल्दी आ। अरे बुआ जल्दी आओ, बिटिया का लेता आयो। हाँ हाँ। अरे सरिता,
जल्दी आओ। जी दीदी आ रहा हूं। ठीक है जल्दी आओ। ठीक है दीदी, अब मैं एक एक छोटी से छोटी बात का भी बहुत ध्यान रखती हूँ। बैठाने की जगह साफ सुथरी हो, वहाँ पानी की व्यवस्था हो, जब लोग इकट्ठा हो जाएं, तो सबको प्यार से नमस्ते करके पहले हालचाल पूछूं, उनके साथ जो एक आत्मीयता का रिश्ता बना है उसे और आगे बढ़ाऊं। दीदी, जब सब आ जाते हैं ना, तो हम सब सबसे पहले कोई अच्छा सा गीत गाते हैं। उस दिन भी गाया था। दीदी, फिर गीत खत्म होने के बाद जो उस दिन का विषय तय किया था उस पर विस्तार से बात की मैंने। खाना ही पड़ेगा, माँ बनने वाली हो है ना? जी। हम सभी ने इतना कष्ट उठाया है तो तुम तो पहली बार माँ। उस दिन का विषय था हाँ, प्रसव पूर्व गर्भवती की देखभाल। इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी हमने सभी पर चर्चा की, जैसे कि गर्भवती का शीघ्र पंजीकरण कराना, प्रसव पूर्व 3 जांचें करवाना, टिटनेस के टीके लगवाना, आयरन की गोलियां लेना, पौष्टिक और संतुलित आहार लेना, आराम करना और खुश रहना। मैंने उन्हें ये भी बताया कि अगर गर्भावस्था के दौरान तेज सर दर्द होने लगे, पाँव में सूजन हो, योनि से रक्त स्राव होने लगे या फिर झटके आने लगे, तो तुरंत ANM बहन जी से या फिर निकट के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए। और दीदी, जब हमने पौष्टिक और संतुलित आहार की बात की तो चंदा कहने लगी कि ये तो बड़ा मुश्किल है। दरअसल उसे लगता था कि इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। तब मैंने उसे बताया कि पौष्टिक और संतुलित आहार से हमारा मतलब महंगी चीज़ें खाने से नहीं है। हमारे घरों में जो चीज़ें होती हैं वो सभी पौष्टिक हैं, और संतुलित आहार से मतलब ये है कि गर्भवती को अपने खाने में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, दूध, दही, फल, गुड़ सभी कुछ शामिल करना चाहिए। आशा बहू, आपने आयरन की गोलियां देने के लिए कहा था कि आज वो मिल जाएंगी। अरे हाँ गुलाबू, आज मैं तुम्हारे लिए खास लेकर आई हूँ, बातों बातों में मैं भूल ही गई। ये लो, ये हर रोज रात में खाना खाने के बाद एक एक गोली जरूर लेना, भूलना मत, ठीक है? याद रहे कि 100 दिनों तक ये गोली तुम्हें रोज रात में एक एक लेनी है, ठीक? और दीदी, बैठक खत्म होने से पहले हमने अगले महीने के बैठक की तारीख, समय और विषय भी तय कर लिया था। विषय था नवजात शिशु की देखभाल। क्या बैठक का तरीका सही था? बैठक में क्या क्या बातें अच्छी थी? ओमी बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी मीटिंग करने में तुम्हें मुश्किलें क्या क्या आई थी? अरे दीदी, सबसे पहले तो यही समस्या थी कि सबको इकट्ठा कैसे करें, और अगर इकट्ठा हो भी जाएं तो उनसे बातें क्या करें। तो मैंने गांव में सबके घर घर जाना शुरू किया, सबसे मिली जुली, सबसे दोस्ती बढ़ाई और सबके घर परिवार का एक हिस्सा बनने की कोशिश की। और जब ये सब हो गया तो? जब ये सब कर पाई तो सोचा अगर सब लोग मिलजुल कर एक जगह बैठ कर अपनी बात कहें और सुने तो चीज ज्यादा आसान हो जाएगी। इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला। गांव में जब व्रत और त्योहार होते हैं ना, तो सारी महिलाएं एक जगह इकट्ठा होती हैं। तो मैं भी वहां जाने लगी, सबके साथ मिलती जुलती, सबसे घर परिवार की बातें करती, खेत खलिहानों की बातें करती। इससे ये हुआ कि जितनी गर्भवती महिलाएं और माताएं हैं वो भी वहां आने लगी, उनसे भी मैं बातचीत करने लगी। तो सब मिल बैठकर अपनी बातें बताने लगी एक दूसरे को।
और पता है आज तो वो कहती हैं कि ये बहुत ही अच्छा हुआ, कम से कम हम सब मिलकर एक जगह बैठकर अपनी बातें तो कर लेते हैं, जितनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको एक दूसरे से कह तो लेते हैं, वरना हमें समय ही कहाँ मिलता था इन सब बातों को करने का। भाई ओमी बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। इससे एक बात तो साफ हो गई, तुमने मेहनत बहुत की और आज तुम्हें उसी मेहनत का फल भी मिल रहा है। मैंने सुना है कि तुम गांव में किशोरी समूह की भी मीटिंग्स करती हो। हाँ दीदी, हुआ ऐसे कि जब गर्भवती महिलाओं और माताओं की बैठक सफलतापूर्वक होने लगी ना, तो एक दिन अचानक एक वही 14-15 साल की एक लड़की मेरे घर दौड़ती हुई आई और मुझे बताने लगी कि वो कुछ परेशान है। बेचारी बहुत घबराई हुई थी। असल में उसको अचानक ना कुछ दर्द की शिकायत हो गई थी, तो मैं उसे ANM बहन जी के पास ले गई, उसकी जांच कराई, उसे दवा दिलवाई और वो ठीक भी हो गई। तभी मैंने सोचा कि जब मैं किशोरी थी तब मैं भी तो किसी को अपनी बात नहीं कह पाती थी, ये बेचारी लड़की तो हिम्मत करके मेरे पास आ भी गई, पर बाकी बच्चियाँ? बस तभी से मेरे मन में विचार आया कि जब मैंने प्रशिक्षण लिया था तब तो मुझे बताया गया था कि किशोरी लड़कियों को भी प्रशिक्षित करना है मुझे। बस मैंने सोच लिया कि मुझे बैठक बुलानी है किशोरियों की। बात तो सही है, पर गांव का माहौल, क्या पहले दिन ही गांव की लड़कियां मीटिंग्स में आने लगी थी? अरे नहीं दीदी, जब हमने इसे शुरू किया था तब बड़ी मुश्किल से 2 या 4 बस इतनी ही लड़कियां आती थी बैठक में। बस जैसे जैसे विश्वास बढ़ा वैसे वैसे लड़कियां भी बढ़ती चली गईं, और पता है आज कम से कम 20 से 25 लड़कियां आती हैं बैठक में। क्या बात है। अच्छा, ये किशोरी मीटिंग्स के बारे में तुम कुछ बता सकती हो? दीदी सबसे पहले तो हमने बैठक की जगह मुकर्रर कर ली ताकि किशोरियां अपनी बात कहने में हिचके नहीं। बस जैसे ही एक जगह हमें मिल गई तो हमने किशोरियों को बुलाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो माता पिता हिचकते थे, तो मैंने उस समस्या का समाधान निकाल लिया। मैं आते जाते उन लड़कियों के घर चली जाती थी और जो मेरे साथ आना चाहती थी उनको मैं अपने साथ ले आती थी। बस देखिए समस्या का समाधान हो गया। जब सब आ जाती तो हम किशोरियों से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा कर लेते। दीदी, बैठक में इन बड़ी होती लड़कियों की बात सुनना और समझना मेरे लिए तब मुश्किल नहीं रहा जब मैंने खुद को इनकी स्थिति में रख कर देखना और समझना शुरू किया। इस उम्र में जब मैं थी तो कितनी ही बातें मन में होती थीं, पर किससे कहूँ, इस उम्र की अपनी ही कुछ उलझने होती हैं। बदलाव ना सिर्फ शारीरिक होते हैं बल्कि भावनात्मक भी होते हैं, और इन सबको सुनना और महसूस करना जरूरी होता है। किसी की बात किसी दूसरे से पता करना भी तो विश्वास का तोड़ना ही तो है। तुम लोगों को इतनी देर कैसे हो गई? स्कूल गई थी? बैठक के दौरान लड़कियों के प्रश्नों का समाधान करने के लिए एक प्रश्न पेटी रख दी जाती है। जो लड़कियां शर्म के मारे या किसी और वजह से अपनी बात मीटिंग में नहीं कह पाती वो अपनी समस्या लिखकर पेटी में डाल देती हैं और फिर मैं अगली मीटिंग में उस पर चर्चा करती हूँ। इससे उस लड़की के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता और उसकी समस्या भी हल हो जाती है। कुछ लड़कियां मुझसे अकेले में भी मिलती हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि आज मैं गांव की सभी किशोरियों की समस्याओं का हल कर पाती हूँ, पर सचमुच बहुत कुछ कर पाई हूँ। आशा के लिए किशोरियों के साथ ऐसी मीटिंग करना क्यों जरूरी है? किशोरियों से बातचीत करते समय आशा को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? Thank you.
ओमी जी, सच में मैं ये सब अपने अखबार में तो लिखूंगी ही, पर हाँ मैं आज आपको सैल्यूट करना चाहती हूँ। जिस समझदारी और अपनेपन से आपने ये सब किया शायद ही कोई कर पाता। लेकिन हाँ, मेरा एक सवाल है, ये जो आप गांव में VHSC की मीटिंग्स करवाती हैं, ये आपने कैसे शुरू करवाई और इसमें आशा की क्या भूमिका होती है? अब दीदी, अपना तो बस ये है कि हमारे गांव के सब लोग आपस में बैठकर प्रेम से बातचीत कर लें। अरे दीदी, हर आदमी का अपना अपना अहम होता है और सबका काम करने का तरीका भी अपना अपना होता है। हमें तो सभी से मीठा मीठा बोलना है और सबकी सुननी भी है। और दीदी, कोशिश यही रहती है कि जिस काम के लिए ये बैठकें होती हैं बस वो काम पूरा हो जाना चाहिए। आजकल सभी गांवों में स्वास्थ्य और स्वच्छता की मीटिंगें हो रही हैं और पता है हमारे गांव में हर 3 महीने में एक बार इस तरह की मीटिंग जरूर होती है। हाँ, और गांव के सभी स्वास्थ्य और स्वच्छता के कार्यक्रम इसी बैठकों में पूरे होते हैं। नए कार्यक्रमों पर विचार विमर्श भी इन्हीं बैठकों में होती है। सबसे पहले स्वच्छता समिति के सदस्यों से प्रारंभिक संपर्क किया और उसके बाद ग्राम पंचायत, पंचों, NM बहन जी और आंगनबाड़ी की सदस्याएं और मास्टर जी से संपर्क करके उन्हें बैठक में बुलाया। इसमें कोई परेशानी होती है क्या? अरे दीदी, शुरू शुरू में तो बहुत परेशानी हुई। सब मेरा मजाक बनाते थे, कोई आगे नहीं आता था, पर जैसे जैसे मेरे काम को पहचान मिलती गई सब मेरी मदद को आगे आने लगे। और देखो ना, मेरा काम कैसे आगे निकल पड़ा, पता है? पिछली मीटिंग में सारे के सारे सदस्य आए थे। दीदी, समय, दिन और स्थान सब कुछ पहले से तय था। निश्चित समय पर सभी लोग आए और बैठक की शुरुआत हुई। आशा बहू, जो पिछली बार बैठक हुई थी, मीटिंग की कार्रवाई जो थी वो हमको भी पढ़कर सुनाना। पहले पिछली बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनाई गई और जो जो बातें तय की गई थीं उन पर विस्तार से चर्चा की गई कि क्या हो गया और क्या नहीं हुआ। फिर ANM बहन जी ने बताया कि प्रधान जी ने सबकी मदद से जो स्वास्थ्य योजना बनवाई थी ना, उसी के अनुसार काम हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि विद्या भैया का परिवार पिछले कई वर्षों से टीका नहीं लगवा रहा था, किंतु प्रधान जी के समझाने से इस बार खुद विद्या भैया अपने बच्चों को लेकर टीका लगवाने आए। पिछली बैठक की कार्यवाही की समीक्षा हो जाने के बाद बैठक की गतिविधियां आगे बढ़ी। उपस्थित लोगों ने कई प्रस्ताव रखे, लेकिन प्रधान जी के सुझाव पर प्रस्तावों की प्राथमिकता तय कर ली गई। मुन्ना भैया और रामभजन के घर के पास बहुत कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, जिससे बीमारी फैलने की संभावना भी है। इस पर प्रधान जी ने जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही। दूसरा प्रस्ताव मास्टर जी ने रखा, स्कूल में काफी खाली जमीन पड़ी है और उसमें बाहरी जानवर आकर गंदगी करते हैं। इस पर प्रधान जी ने आश्वासन दिया कि जैसे ही किसी मद में पैसा आएगा वो स्कूल की चार दीवारी करा देंगी। तीसरा प्रस्ताव मैंने रखा कि प्रसव के समय गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक ले जाने के लिए समय पर गाड़ी ही नहीं मिल पाती, तो प्रधान जी ने गांव तथा आसपास के गाड़ी मालिकों से बातचीत करके समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। चौथा प्रस्ताव ANM बहन जी ने रखा कि पानी से संबंधित बीमारियां फैल रही हैं, इसके लिए पीने के पानी के स्रोतों में ब्लीचिंग पाउडर तत्काल ही डलवाने की जरूरत है। पता है, प्रधान जी ने इसके लिए अगले ही दिन खाते से पैसा निकलवाकर ब्लीचिंग पाउडर डलवा देने का वादा किया। फिर दीदी, अगली बार की बैठक और उसका विषय और समय सभी कुछ तय करके बैठक समाप्त हो गई। सचमुच ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि तुमने अपनी खुद की मेहनत से सबका दिल जीता है। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई थी। तोहफा? हाँ। अरे दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं नहीं नहीं सुनूंगी, ये लो। धन्यवाद दीदी। चलो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना तुम। आप भी अपना ख्याल रखिएगा।
इस फिल्म में आपने अभी देखा कि रितिका एक पत्रकार गांव की आशा ओमी का साक्षात्कार लेने आती है। ओमी उसे बताती है कि शुरू में बहुत मुश्किल होती थी महिलाओं की बैठक करने में। वो अपनी पहली बैठक का अनुभव रितिका को बताती है, जिसके बाद उसे लगा था कि वो शायद ये काम ही नहीं कर पाएगी। मीटिंग तो ठीक है दीदी, पर आपने जो आयरन की गोली देने के लिए कहा था कि आज वो मिल सकती हैं?